हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपना पल्सर 150 BS3 के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। यह है पल्सर 150 BS3 UG4। आज इसमें मैं स्ट्रोब लाइट इंस्टॉल करने वाला, तो आपको स्ट्रोब लाइट दिखा देता हूँ पहले। और इसका बेस्ट बाय लिंक मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। ये है वो स्ट्रोब लाइट जो एम्बर कलर की है, इसको मैं आज मैं अपने पल्सर 150 इंस्टॉल करने वाला हूँ। ये 2 पीस आता है इसमें और ये वाटर प्रूफ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलिकॉन लगाया हुआ। और आपको दिखा देता हूँ इसका पहले ब्राइटनेस, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले मैं इंस्टॉल कहाँ करने वाला हूँ मैं दिखा देता हूँ। आप जहाँ चाहे वहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं, या फ्रंट ये है फ्लैप, यहाँ पर भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं इसे। तो मैं इसे रियर में इंस्टॉल करने वाला हूँ, तो इसे मैं रियर में इंस्टॉल करने वाला हूँ। आप मतलब चैन एडजस्टमेंट का ये बोल्ट है, यहाँ पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं इसे एल पट्टी इंस्टॉल करके अंदर इंस्टॉल करने वाला हूँ, आपको दिखा देता हूँ वो जगह। यहाँ इंस्टॉल करने वाला हूँ मैं, एक फ्लैश लाइट ऑन करके दिखा देता हूँ आपको। ये 8 नंबर के बोल्ट पे मैं ऐसा एल पट्टी लेके इंस्टॉल करने वाला हूँ और ये ऐसा रहेगा लुक इसका। एक मिनट दिखा देता हूँ, ये ऐसा लुक रहेगा इसका। ये इंडिकेटर के पीछे ये ऐसा आ जाएगा, पीछे से कुछ ऐसा लुक देगा ये। मैं यहाँ इंस्टॉल करने वाला हूँ, दोनों साइड में 8 mm के बोल्ट दिए हुए। ये रियर जो मड गार्ड है उसके बोल्ट है ये 8 mm के। तो मैं ये ओपन कर लेता हूँ और आपको पट्टी पहले दिखा देता हूँ। और मैं ये सोल्डरिंग आयरन से इसके कनेक्शन करने वाला हूँ, मतलब ये प्रॉपर। इसमें 2 वायर होते हैं, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, रेड वाला जाएगा। अगर आपको इंडिकेटर में इंस्टॉल करना है तो इंडिकेटर में भी लगा सकते हैं सॉकेट में। तो मैं इसको एक्सटर्नल स्विच देने वाला हूँ, मैंने स्विच यहाँ इंस्टॉल कर दिया, आपको दिखा देता हूँ। ये स्विच है, इसका एक वायर मैंने, ये इग्निशन है, इसके ब्राउन वायर में लगा दिया है। पल्सर 150, 125, 220, पल्सर NS, N250 जो अभी न्यू लॉन्च हुआ, सभी में कर सकते हैं ये। इसमें मैं ये एक ब्राउन कलर में एक दे दिया है स्विच का वायर, और एक मैं टैंक के पीछे से ये है इसका वायर दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया, यहाँ से रियर में लेके आया हूँ मैं। एक मिनट सीट ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये वायर लेके आ गया हूँ मैं पीछे रियर में, और ये वायर ऐसे रखा हुआ है। लाइट फिटिंग कर लेता हूँ आपको, पहले क्लैंप दिखा देता हूँ। उसके पहले जो एल क्लैंप मैंने इसमें फिट, ये छोटा सा एल क्लैंप है, ये किसी भी आपको गैरेज शॉप में मिल जाएगा, आई क्लैंप बोला जाता है इसे। ये मैंने हल्का सा बेंड कर दिया उधर, उसके हिसाब से 8 mm का बोल्ट इधर लग जाएगा, और ये ऐसा एल एल टाइप इसको बेंड कर दिया है। तो मैं इसको फिटिंग कर देता हूँ, और इसमें जो लगेगा वो मैंने ये बोल्ट लिया हुआ है, नट बोल्ट, ये भी 8 mm का ही है। स्क्रू टाइप दिया हुआ, थोड़ा रस्ट हो गया, उससे कुछ होगा नहीं, ये अंदर में छुप जाएगा वैसे भी। तो मैं इसको आपको लगा के दिखाता हूँ। तो गाइज, मैंने प्रॉपर फिटिंग कर दिया है, आपको दिखा देता हूँ। रियर लुक दे देता हूँ आपको पहले, देखिए ये यहाँ फिटिंग किया हुआ है मैंने। बहुत टाइम लगा है दोस्तों इसको फिट करने के लिए। देखो अंदर से स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ कैसा है बनाया हुआ है मैंने। ये ऐसा 8 mm का बोल्ट, उसको ओपन करके, ये पीछे का रियर मडगार्ड का बोल्ट होता है ये, उसको ओपन करके यहाँ पे एल टाइप का छोटा पट्टी डाल के ये वाला फिटिंग किया हुआ है मैंने ऐसा। और ये नट बोल्ट, नट बोल्ट से फिटिंग किया हुआ है सेम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड बहुत दिक्कत आई है, ये जल्दी फिट नहीं हो रहा था। लेफ्ट हैंड साइड का भी आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। ये देखिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ये एल पट्टी करके, ये इसको ओपन नहीं हो रहा था इसलिए WD-40 थोड़ा देर लगा के रखा हुआ था, क्योंकि ये मडगार्ड है, इसमें रस्ट हो ही जाता है ये बोल्ट पे। बाकी वो बोल्ट भी स्लिप हुआ है हल्का सा, तो मैं नेक्स्ट टाइम उसको चेंज करने वाला हूँ बोल्ट को। 8 mm का वो बोल्ट है, और इसका वायरिंग मैंने यहाँ से निकाला हुआ है, तो दिखा देता हूँ आपको। ये सब वायरिंग यही से मैंने अंदर से निकाला हुआ है। 2 वायर होते हैं इसमें, एक रेड और एक ब्लैक। ब्लैक में यही ग्राउंड करने वाला हूँ, तो वही मैं टाइट करने वाला हूँ। और मैंने स्विच तो ऐसे दिखाई दिया था मैंने आपको, ये स्विच है ऑन ऑफ वाला, मैंने ऑन ऑफ पे रखा हुआ। आप इंडिकेटर पे भी यूज़ कर सकते हैं, इंडिकेटर पे यूज़ करने के लिए आपको सेम लेफ्ट हैंड इंडिकेटर में एक वायर जाएगा, उसमें पॉजिटिव निगेटिव होता है, वो सेम वैसे ही ओपन करके आपको फिटिंग कर देना है। ये मैंने आगे में ब्राउन कलर के वायर में इसमें पॉजिटिव दिया हुआ है, जब
की ऑन करते तभी उसमें करंट आता है, और इधर से मैं लेके आ गया हूँ टैंक के नीचे से प्रॉपर। मैं दोनों का पैरेलल कर दूंगा, दोनों के रेड मैं ये स्विच में लगा दूंगा और ग्राउंड वाला मैं यहाँ ग्राउंड कर दूंगा। एकदम सिंपल कनेक्शन है, मैं जल्दी से कर लेता हूँ फिर कंटिन्यू करता हूँ। तो गाइज मैंने प्रॉपर फिक्स कर दिया, आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने यहाँ फिक्स किया हुआ है और बहुत ही, अभी मैंने जस्ट लाइट चेक किया था, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है इसका। दो पीछे रियर लुक दिखा देता हूँ आपको, इंडिकेटर के जस्ट नीचे फिट किया हुआ है मैंने। तो देखिए गाइज ऐसा कनेक्शन किया हुआ है, मैंने आपको दिखाई दिया था। ये मैंने दोनों रेड कॉमन करके इसमें लगा दिया है और दोनों ब्लैक वाले वायर मैंने यहाँ ग्राउंड कर दिया है। ये रेगुलेटर रेक्टिफायर है, ये मैंने यहाँ पे ग्राउंड कर दिया है, रेगुलेटर में मैंने ग्राउंड कर दिया है, बैटरी चार्जिंग वाला से ग्राउंड कर दिया है। और बाकी वो कुछ नहीं है इसमें, तो आपको ये वायरिंग थोड़ा सा प्रॉपर इसमें ऐसा फिक्स कर देता हूँ मैं। ये मैंने प्रॉपर फिक्स करके ऐसा कर दिया है, देखिए वायरिंग अभी कुछ भी नहीं है। अभी मैं इसको पैक कर लेता हूँ, सीट लगा लेता हूँ, फिर इसका लाइट दिखाता हूँ। तो गाइज मैंने प्रॉपर फिक्स कर दिया है और मैं लाइट इसका बटन पे दिया हुआ है, ऑन कर देता हूँ। पहले आपको लेफ्ट साइड का दिखा देता हूँ, उसमें इंटीग्रेटेड फ्लैशर है, ऑलरेडी इसमें फ्लैशर आता है। अगर इसका बेस्ट बाय लिंक रहेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसमें बहुत सारे कलर आते हैं, ब्लू, ग्रीन, रेड, जो तीनों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको, इसका परचेस लिंक। और रियर लुक दिखा देता हूँ, दूर से दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, ये मैंने एकदम इंडिकेटर के जस्ट नीचे रखा हुआ है। ये मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इतना ब्राइटनेस नहीं दिख रहा पर रियल में बहुत ज़्यादा ब्राइट है। नाइट का व्यू भी दिखाने वाला हूँ आपको, पहले डे टाइम देख लीजिए। आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ फिक्स कर सकते हैं आप। मुझे ये स्पेस बहुत बढ़िया लगा इसका, इंडिकेटर के जस्ट पीछे आप नंबर प्लेट पर भी होल्ड कर सकते हैं उसको। और ये इसका चैन मोस्टली यहाँ पर लगाते हैं लोग, पर ये मैंने ऑरेंज कलर का परचेस किया हुआ है। इसमें ब्लू बहुत बढ़िया दिखेगा, ब्लू और रेड। रेड तो आपको ब्रेक पे प्रेस करने पे ऐसा बढ़िया दिखेगा। और एक यहाँ पे भी फिट कर सकते हैं, यहाँ पे 10mm का बोल्ट दिया हुआ है। ये साइड पैनल फ्लैप, टैंक फ्लैप यहाँ पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, पर मुझे ये बहुत बढ़िया लगा तो फिर से दिखा देता हूँ एक बार। दोनों साथ में जल रहे हैं एकदम बढ़िया, और आप इंडिकेटर भी फिक्स कर सकते हैं। देखिए मैं रियर लुक दिखा देता हूँ आपको, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए ऐसी मॉडिफिकेशन रिलेटेड वीडियोस के लिए। तो चलिए देखते हैं इसका नाइट का व्यू। गाइज ये है इसका नाइट का व्यू, मैंने हल्का सा स्ट्रोबिंग स्लो किया हुआ है ताकि वीडियो अच्छा आए। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऐसी मॉडिफिकेशन रिलेटेड वीडियोस के लिए। थैंक यू, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।